टीचर्स सारे टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और तैयारी मैंने बिल्कुल अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, तो रिवीजन टाइम पे करना चाहिए। और टीचर्स जो छोटी छोटी बात बताते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा बना सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी, मतलब जो भी टीचर्स ने हमें गाइड किया था उस गाइडेंस को फॉलो किया था। और स्टार्टिंग से जो भी एनसीईआरटी थी बायो में और स्पेशली केमिस्ट्री में उसको फॉलो किया था। जो भी रोज़ टीचर्स होमवर्क देते थे वो करती थी, और जो भी क्लास में रोज़ पढ़ाया जाता था उसको घर जाके एक बार रिवाइज करती थी। टीचर्स हमें गाइड करते हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए जो भी हमें रोज़ पढ़ाया जा रहा है। मेन तो रिविज़न होता है और कंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग से हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और जो भी हमने पढ़ा है उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। ये है मध्य प्रदेश परीक्षा की टॉपर्स अक्सा खान और ज़ोबिया शेख। अक्सर ने 12वीं की बायो स्ट्रीम में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि ज़ोबिया ने 10वीं कक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों ने अपनी उल्लेखनीय सफलताओं के लिए क्या रणनीतियां अपनाई, किन चुनौतियों का सामना किया और उनके परिवार ने किस तरह उनका समर्थन किया, इस बारे में आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबान में। 10th रैंक में कौन सी क्लास में थे आप और क्या कौन सा मतलब स्कूल से पढ़े हैं और कहाँ से पढ़े हैं? अच्छा, कैसे मतलब उसके अलावा ट्यूशन भी किया आपने कुछ? कौन सी रैंक आई है आपके देवास में? उसमें 10th रैंक आई है। किस तरह भविष्य को लेके क्या प्लानिंग है और 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे आप? अच्छा, एक बड़ा कोर्स सवाल ये है कि आजकल CBSE बोर्ड का ट्रेंड है और आपने MP बोर्ड में इतना अच्छा स्थान प्राप्त किया है, आपके मन में था ऐसा कि अभी CBSE में भी मुझे लेना चाहिए एडमिशन? किस तरह से आपने इसकी पूरी तैयारी की और किसको इसका श्रेय देना चाहिए? टीचर्स, सारे टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और तैयारी मैंने बिल्कुल अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, तो कैसे पढ़ते थे आपके कोचिंग वगैरह भी लिए इसके लिए? कहाँ पे लिए हो क्लासेस? लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपने पढ़ी, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई भी की है? और अच्छा, दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th की, वो मेरिट में आए तो उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और मेरिट में आने के लिए? टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं और रिवीजन करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे रैंक और परसेंटेज आ सकते हैं। अब और ये बताइए आपके माता पिता क्या करते हैं? अच्छा, उनका कितना इसमें योगदान है पढ़ाने में? बहुत योगदान है उनका पढ़ाई में, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, उन्होंने आपको रोजाना आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटे थे। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह हैं और अब आने वाले हैं? रिवीजन टाइम पे करना चाहिए और टीचर्स जो छोटी छोटी बात बताते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आपका नाम बता दो। कौन से स्कूल से आप? स्कूल फॉर एक्सीलेंस देवास। किस तरह से प्रिपरेशन की थी? मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी, मतलब जो भी टीचर्स ने हमें गाइड किया था उस गाइडेंस को फॉलो किया था। और स्टार्टिंग से जो भी एनसीईआरटी थी बायो में और स्पेशली केमिस्ट्री में उसको फॉलो किया था। जो भी रोज़ टीचर्स होमवर्क देते थे वो करती थी, और जो भी क्लास में रोज़ पढ़ाया जाता था उसको घर जाके एक बार रिवाइज करती थी। एनसीईआरटी की बुक का आपने जिक्र किया है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है साथ में? जी, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होती है। कितने घंटे रोज पढ़ते हैं? 8 से 9। जनरली जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परसेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, पर आपका परसेंट इफेक्ट ना हुआ और प्रदेश में भी स्थान बना, दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि लगभग दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि नीट में भी एनसीईआरटी का ही कंटेंट आता है और हमारे टीचर्स ने बोला था कि बोर्ड के लिए भी वही पढ़नी है, तो दोनों में सेम ही बुक मैंने पढ़ी, इसलिए दोनों में। एमपी बोर्ड की बुक्स में है मिल की नहीं आपको? एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी में। अच्छा, दूसरे बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे जिस तरह से आपने तैयारी करे और वो भी आगे आके अपना मेरिट में स्थान प्राप्त करें? यही कि जो
टीचर्स हमें गाइड करते हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए जो भी हमें रोज़ पढ़ाया जा रहा है। मेन तो रिवीजन होता है और कंसिस्टेंसी, स्टार्टिंग से हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और जो भी हमने पढ़ा है उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। मैंने भी मतलब एक चैप्टर को बायो के 3-4 बार पढ़ा था एनसीईआरटी से, जिससे कि मुझे सारे क्वेश्चन जो थे उसके बन गए थे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। फ्यूचर में क्या बनने की आपकी इच्छा है और क्यों? डॉक्टर बनने की इच्छा है, किस तरह का डॉक्टर बनने की इच्छा है? क्या क्या नाम है आपका? नाम रैंक के साथ बताइए। अक्सा खान, एमबी मेरिट 8th रैंक। प्रदेश में राय उत्कृष्ट विद्यालय नाम रोशन किया होता है। उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट अभी सब लोग निकाल रहे हैं, लगभग लगभग सभी का 100% है और अधिकतर बच्चे फर्स्ट क्लास हैं या 85-80 से ऊपर ही हैं सबके मार्क्स। और दो बच्चे जो है एक 10वीं में है और एक 12वीं मेरिट में आए हैं। 10वीं में जो है जोबिया शेख है और 10वीं पोजिशन पर, और 12वीं में अक्षा खान है 8वीं पोजिशन पर, बायोलॉजी स्ट्रीम की है। मतलब स्टेट लेवल की जो मेरिट सूची है उसमें दोनों बच्चे हैं देवास के। दोनों बच्चे देवास से। और कौन से स्कूल से सर? ये उत्कृष्ट विद्यालय देवास से। सर जिले का क्या प्रतिशत रहा है? जिले का प्रतिशत तो अभी पूरा अन्य स्कूलों का भी आएगा, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इकट्ठा होगा, उससे जिले का प्रतिशत मालूम पड़ेगा। परंतु हम हमारे स्कूल का बता दें कि लगभग लगभग जो है 100% आ जाएगा। कोई विशेष सब्जेक्ट में कोई अच्छी मिली हुई अच्छी है? वैसे क्या है, डिस्टिंक्शन वाले तो सभी सब्जेक्ट रहे हैं, बायोलॉजी के हैं या 10th के हैं, मैथ्स है या बायोलॉजी है, फिजिक्स वगैरह वगैरह, जिसमें अच्छा रहा है रिजल्ट। और क्या है कि जो मेरिटोरियस बच्चों का हम जो है 9 महीने के क्वार्टरली के रिजल्ट के बाद में जो तिमाही परीक्षा होती है उसके रिजल्ट के बाद में उनको निकाल लेते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद और फिल्टर कर लेते हैं और इन बच्चों को मेरिट के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट में थे, मेरी डायरी में जो नोट बच्चे थे, उन्हीं में से एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई इनकी, मेरिटोरियस क्लासेस भी लगाई और स्पेशल गाइडेंस इनको दिया गया, तब जाके ये स्थिति बनी है कि ये अच्छे मेरिट में और स्कूल का नाम रोशन करने की स्थिति बनी है।